हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों यानी कि रॉकी मल्होत्रा वालों प्यार प्री निघी सलाम नमस्कार ते सत श्री अकाल। अज जिहड़ा आपां प्रोग्राम लिखिया उह पैसा धेला ते है, साडा जिहड़ा पहला शो है असी अज उहदे बारे गलबात करन जा रहे हैं कि किवें कैनेडा दे विच ते अमेरिका दे विच इत्थे आपां जिहनां मुल्कां दे विच रहिंदे आ ते इत्थे पैसे नूं बचाउणा वधाउणा किवें चाहीदा ते क्यों जरूरी है ते ओ आपां नूं शुरू कित्थों करना चाहिए ते ओही चीज़ बारे आपां अज गलबात थोड़े नाल सांझी करना चाहुंदे आ सारे दर्शकां नाल। सो सारे ही हमदर्द टीवी देखदे हो दर्शकों का निघा स्वागत है एक बार फिर ते नाल दी नाल मैं अज दे जिहड़े मुख मेहमान ने साडे चीफ गैसट जिन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैगा इस फील्ड बारे उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी है क्योंकि वह जिहड़े बहुत तजुर्बेकार फाइनैंशियल फील्ड दे विच ने पिछले 30 तो 40 साल दे विच इत्थे उन्होंने बहुत एक तजर्बा इकट्ठा किया क्योंकि कहिंदे आ वी अकल जिहड़ी है वह बदाम खाण नाल नहीं कल्ले पर कि जिहड़े तजर्बे करन नाल भी आउंदी है। सो जिहड़ा उन्होंने एक तजर्बे नाल एक फाइनैंस इंडस्ट्री दे विच रह के जिहड़े इस चीज़ नूं समझे कि कैश कितना जरूरी है हुण ते असी रल के ही जिहड़ा वह आउट ऑफ द टीवी भी ऑफ स्क्रीन भी जिहड़ा वह सारे ही कैनेडियंस नूं ते अमेरिकन्स नूं एजुकेट कर रहे हैं ते ये साडा जिहड़ा उपराला है वह इस करके ही है भी क्यों ते किवें ते किस तरीके नाल ते कित्थों शुरू करना चाहिए ते मेरा साथ अज साडे मुख मेहमान दे रहे ने रवि खुराना जी। सो वेलकम रवि खुराना जी ऑन द ऑन हमदर्द टीवी। सो की हाल चाल ने थोड़े? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। हमदर्द टीवी दी सारी ऑडियंस नू मेरा सत श्री अकाल ते थैंक यू रॉकी फॉर गेटिंग मी हियर। और बड़ा वधिया इन्हां दा शो है, वैसे इन्हां दा बिजनेस भी बहुत वधिया है। ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज ओन फील्ड, अपने फील्ड दे माहिर हैगे ने ते मैनू दो तीन वारी मौका मिलिया इन्हां नाल बैठन दा। सो आई कुड जज भई ये वाकई काफ़ी एदे विच डेप्थ रखते ने इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। हाँ जी, ते एज लॉन्ग एज मेरे बारे च, मेरा नाम हैगा जी रवि खुराना। काफ़ी बंदे जानते ने, जेडे नहीं जानते मैं दसना। मेरे इत्थे कैनेडा दे विच मेनली जे टोरोंटो GTA च ही गिनीए तो करीबन 4-5 मनी मार्ट स्टोरस है ने। मनी मार्ट जिथे वैसटर्न यूनियन आँदी, चैक कैशिंग आँदी है, तो यह मेरे स्टोरस है ने। तो यह जदों मैं कंट्री विच आया सी तो मैं उदों ही यह बिजनेस स्टार्ट कर दिता सी, यानी फ्रॉम डे वन मैं फाइनेंस इंडस्ट्री विच ही हाँ। तो पहले बड़े साल स्टोरस भी चलाए, हुण स्टोरस तो सारे स्टाफ चलाते ने, तो ज़्यादा मेरी फोकस होंदी है भाई टू हेल्प पीपल। जिहड़ी नॉलेज मेरे को हैगी फाइनैंशियल फील्ड दे विच वो मैं सारे नाल शेयर करा, सारे नूं दवां, बिकॉज इन्ना गहरा फील्ड हैगा फाइनैंस का। इत्थे मैं देखना कि मोस्टली जनता जिहड़ी हैगी है उत्ते उत्ते ही हैगी है। जे मैं किसी नाल बहना वा तो मैनू पता चलता है भी लोगों नू वो डेप्थ विच हले तक गए ही नहीं ने, उस गहराई दे विच वो डुबे ही नहीं ने, क्योंकि उन्होंने किसी ने नॉलेज ही नहीं दी। भई इत्थे आम तौर पर जनता हैगी है वो डिपेंड करते ने बैंक्स के उत्ते, वो बैंक में जाते उत्ते लाइन में खड़े होंगे, टैलर के कोल एक या दो मिनट होंगे ने तुहाडे नाल गलबात करन दे। तो तुम जो उन्होंने पूछते हो भी यह किस तरह होंगे या वो किस तरह होंगे, ओके आई कैन बुक योर अपॉइंटमेंट टू माई मैनेजर, वो फिर होर गल लंबी। मैनेजर नूं भी मैं देखा कई बार बड़ा हैरानी होंदी है कि उन्होंने भी वो नॉलेज नहीं हैगी, उन्होंने बस ट्रेनिंग पूरी दिती है, काफ़ी उन्होंने अपने फील्ड के गहराई है, बट ओनली उ फील्ड के माहिर रह गए ने। बट फाइनेंस इज सच अ बिग इंडस्ट्री, ये इन्ने फील्ड्स है इनिया डिफरेंट डिफरेंट प्लैनस है भाई। गवर्नमेंट ने इन्ना कुछ किया हो फॉर द कॉमन मैन भी कभी कॉमन मैन कोई चीज़ की फाइनैंशियल कभी जरूरत ही ना पवे। इन्ने वधिया वधिया प्रोडक्ट्स है पर आम तौर पर जनता को यह प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं होता। तो इस वास्ते अक्सर देखा भी कई मैनू मिलते ने मेरे मनी मार्ट स्टोरस से भी आते हैं, जो मैं उन्होंने लाइफ स्टडी करना तो मैं बड़ी हैरानी होती है कि वह पेचैक टू पेचैक ही रेंदे ने। यानी जे उन्होंने को मैं कभी पूछ लव भी 1000-2000 डॉलर तुसी रिटर्न करना बाकी है भी कदों दोगे, तो बेचारे एकदम घबरा जाते हैं, कहें नहीं नहीं साढ़े को जो भी इंट्रस्ट हैगी लै लो, असी प्रिंसीपल नहीं लौटा सकते।
ते मीन्स बड़ी बड़ी हैरानी होंदी है। हालांकि टचवुड ईश्वर की बहुत मेहर हैगी अपने उत्ते, जिहड़े अपने देसी बंदे हैगे आ, अपने विच एक कल्चर हैगी है भी पैसे नूं बचाना है। आपां किहदे वास्ते बचाने, आपां कहिंदे आ आपां अपनियां अगली इमीजिएट जिहड़ी पुश्त हैगी घट्टो घट उहदे वास्ते तां अच्छे तों अच्छा करके जाइए, उहनां नूं अच्छे तों अच्छी तालीम दे के जाइए। ते इस वास्ते आपां पैसे नूं बहुत अहमियत दिंदे आ, खास तौर ते जमा करन लई। तो तुसी देख लो भाई, आम तौर पर जिवें अपनी फैमिलीज हैगियां, इन्हां लई $5,000-10,000 कोई चीज़ ही नहीं है। पर जे मैं तुहानूं उस दुनिया च लैके जावां जिहड़े गोरे कालियां गोरे और काले दियां दुनिया च मैं रहना, तो मैनूं बड़ी बड़ी हैरानी होंदी और बड़ा मैनूं दर्द भी उठता उन्हां वास्ते भी इह लोक की जिंदगी जी रहे ने। भी इहनां कोल $100 नहीं है, $200 नहीं है, तो भी इह की जिंदगी जी रहे ने। तो इहो जिहे बंदियां नूं मैं गैदर करना, तो कभी मैं सैमीनार्स करना, उन्होंने ट्रेनिंग देना, मैं अपने वालों पूरी कोशिश करना। तो आज मैं बहुत खुश हैगा रॉकी जी ने मैं इतने बुलाया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जी। तो तुहानू भी जे कोई क्वेश्चन होवे या तुहाडे होर दूजे बंदियां नू कोई क्वेश्चन होवे जी, तो ऑलवेज वेलकम ने जी। तो मेरा फोन नंबर तो खैर आया ही होगा, नहीं आया तो मैं रिपीट भी कर देना, तुसी ध्यान नाल नोट डाउन कर लो। यह हैगा 6478929266 और मेरी कंपनी हैगी ग्लोबल सोल्यूशनस। तुहानू कोई भी चीज़ की लोड़ है, कभी भी कुछ भी चाहिए, तुसी मैनू याद करना, मैं तुहाडा फोन जरूर पिक करांगा। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी अपनी बेस्ट एफर्ट्स पा के तुहाडी प्रॉब्लम नू समझांगा ते उहदा सोल्यूशन कढांगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद सो बहुत बहुत थोड़ा रवि भाजी कौ इतने तुम आए अपना शो ते असं तो चाहते हैं कि तुम हर हफ्ते आओ इतें। तो यही है भी इस तरीके ही जो आप वक् वक् कम्यूनिटिया के नाल डील करते हैं, इतने कैनेडा दे रहने तो उदो आपां लोकां दी जिहड़ी मुसीबतां दा डे टू डे जिहड़ी उहनां दी प्रॉब्लम्स है उहदे बारे पता लगता है। तो त्रासदी इह अज दे टाइम दे विच कि किसे कोले भी हज़ार या भी $5,000-10,000 कहीए कैश मनी है ही नहीं, तो इस टाइम पर कितना जरूरी है लिक्विड मनी का होना, तो वह किवें पैदा किया जा सकता है, क्योंकि हर बंदा अज के टाइम जे आप लाइए अपनी कम्यूनिटी या बाहर महीने का $2,000-4,000 मिनीम बना रहा, राइट। जे हुण आपां गल करिए कि एक फैमिली दे विच चार बंदे काम करते हैं, तो जो $4,000 रवि भाजी बना रहे हैं तो किन्ना थोड़े हिसाब नाल भी मंथली वह किन्ना क बचा सकते, की लगता थोनू? बई थंब रूल तो यह कहता बी तुसी तुहाडी जिनी भी इनकम हैगी है बई उहदा 10% तुसी सेव करना चाहिए। तो यह जिहड़ा 10% है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कलैक्ट्स इन टू 100,000s, इट कलैक्ट्स इन टू मिलियनस, यानी वह किन्ने गुना वो मल्टीप्लाई होंदा है, कंपाउंड इंट्रस्ट जिन्हों कही दा आपा एक अपनी लैंग्वेज दे विच, वो कंपाउंडिंग इंट्रस्ट किन्नी वधा सकदी है पैसे नूं। तुहाडा अपना ही पैसा तुहानूं इन्ना रिच कर सकदा है, तुहानूं बाहर किते कोई पैसे दी लैण दी या मंगण दी या किसी बैंक कोल जाण दी लोड़ भी ना पवे। तुहाडा अपना ही मनी पावें तुसी शुरू करो 2,000, 1,000, 5,000, वट एवर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, तुसी किन्ना भी कॉन्ट्रीब्यूट जरा कर सकते हो भाई इनकम तो इलावा। तो यह एक हैबिट बनानी चाहिए कि मैं मेरी इनकम का 10% मैं सेव करना ही करना है। तो तुम देखो तुहाडी जिहड़ी लाइफ है एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, कभी तुहानू पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और यह जरा पैसा तुसी साइड से जमा भी करते हो, यह तुहाडा अपना ही पैसा है जी, तुहानू चाहिए वेन एवर यू वॉन्ट। मेरे को लैव जी प्लैन है, तुसी मैनू खाली एक ईमेल पाना है, तीजे दिनों मनी डायरेक्ट तुहाडे बैंक में जमा हो जाएगा जी, क्योंकि जिवें बैंक पासबुक देता है तुहानू एक रिपोर्ट आती है एवरी मंथ भाई हुण तुहाडा पैसा इन्ना ग्रो हो गया, जिहड़ा तुसी 10,000 पाया सी हुण 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लखां विच हो जांदा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मिलियनस विच हो जांदा है जी। ते तुहाडे कोल अपना ही पैसा इन्ना है, यू डोंट हैव टू कोई पैसे मंगन की कोई लोड़ ही नहीं हैगी किसी को जाने की, तुसी अपना ही पैसा यूज करो और अपनी लाइफ इंजॉय करो, यही साडा मोटो होंदा है जी। नहीं ये चीज़ बहुत वधिया जी जिहड़ी तुसी दसी है खुराना साहब, क्योंकि ये जिहड़े मैं जिहड़ी चीज़ फेस करदा डे टू डे बेसिस जां तुसी भी मिलदे होवोंगे, तो जदों आपां फाइनैंशियल सैक्टर दे विच आ तां आपां ये देखदे हां लोकां नूं
कि उन्हां कोले कोई राह नहीं हैगा। जो आप बैंकों के बच्चे जाने तो तुम ऑलमोस्ट इतने 20 तो 30 साल तो रह रहे हो, की कदे कोई दसदा कि मॉर्गेज के कंपाउंड तो सिंपल इंट्रस्ट किवें काम करता, की कदे कोई दसदा कि इंश्योरेंस किवें एक्सपेंस देगा इनवैसटमेंट बन सकती है, की कदे कोई दसदा भी आप अपने मनी तो ग्रोथ किवें लैनी है 8 से 10% विद 100% गरंटी। सो ये चीज़ा किनिया जरूरी ने, है ना, इतने लोगों बारे पता होनिया। तो जो आप डेली बेसिस से देखते हैं भी इन चीज़ों बारे जो आप बाहर बैंक नहीं दस रही, तो जिमें आप अपनी सेहत सेहतमंद होने वास्ते आप एक डॉक्टर को जाने उमें ही उन्ना ही जरूरी है फाइनैशियल प्लैनर का होना थोड़ी जिंदगी दे विच। जिवें थोड़े कोल एक परसनल फैमिली डॉक्टर है उमें एक परसनल फैमिली फाइनैशियल प्लैनर होना चाहिए थोड़े कोल, एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिहड़ा थोड़े पैसे की देखभाल करे, जिहड़ा थोड़े कमाए हुए पैसे नू लैके जावे। इस बारे की ख्याल आई थोड़ा? बहुत ही अच्छा विचार है तुहाडा रॉकी जी, तुसीं जिहड़ा है विचार पेश कीता है ऑडियंस लई, जिहड़े सारे सुन रहे ने हमदर्द रेडियो नू, ते बहुत ही अच्छा विचार है कि यह जी चीज़ हैगी है ये जे थोड़ा भी ध्यान दिता जाए। मेरे ख्याल नाल रॉकी होरी भी बहुत वधिया कर रहे हैं, ऐसे फील्ड दे विच हैगे ने, और इन्होंने बड़ी घट उम्र दे विच इन्नी तरक्की की है कि इन्हों को इन्नी नॉलेज है प्रोडक्ट्स की। कई बार मैं इन्हों बहना वा तो मैनू वाकई बड़ा मैं इंप्रैस होना वा भई इन्होंने इन्नी अच्छी नॉलेज रखी हुई है, तो यह सारा दस सकते हैं। जिमें कोई भी चीज़ नूं आपां कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तुसी जे सेव करना है 5,000, 2,000, 1,000, 500 वट एवर यू वॉन्ट टू सेव, कीप दैट मनी एट द साइड, उन्हों साइड ते रख के उन्हों तुसी सेविंग विच पांदे जाओ। तो जिमें पुछ रहे हैं भाई इन्हां दा जिमें सवाल सीगा भाई तुसी उन्हों फाइनैशियल प्लैनर का होना भाई जी कितना कि जरूरी है जी? देखो लाइफ दे विच एक फाइनैशियल प्लैनर का होना जिवें इन्होंने कहा एक डॉक्टर का जिवें होना है, उंज एक फाइनैशियल प्लैनर का अपनी लाइफ दे विच होना बहुत जरूरी है। उन्हों आप सारा कुछ दस सकते हैं भाई साडियां ए प्रॉब्लम्स ने, साडे कोल ए एसेट्स हैगे ने, साडे कोल ए लाइबिलिटीज़ ने, भाई ए साडियां जायदाद ने ते ए साडे खर्चे ने। तो फिर एक फाइनैशियल प्लैनर एनालाइज करता है भी तुहाडी सिचुएशन विच की होना चाहिए। तो जिमें कई बार लोग समझते भाई इंश्योरेंस वगैरह यहोजे प्रोडक्ट्स मार्केट में है जिदे वास्ते तुसी इंश्योरेंस तो तुहानू बाय डिफॉल्ट मिल जाती है जी, भाई तुसी कोई प्लैन लो उहदे नाल एज अ राइडर तुहानू इंश्योरेंस दे दिंदे ने। तो जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस के पिछे ही भजना चाहिए, यहोजे भी प्रोडक्ट्स है मार्केट के वे वे जी कंपनीज है ने। हुण रॉकी जी भी तो मैं भी असी डील करते हैं वड्डियां वड्डियां कंपनीज नाल। यह कंपनीज किस तरह ने जिवें इंडस्ट्रियल अलायंस हो गई, मेन्यू लाइफ हो गई, होम ट्रस्ट हो गई, तुहाडा कैनेडा लाइफ हो गई, यह बड़ियां पुरानियां कंपनियां ने और यह कंपनियां बैंक नूं चलांदियां ने। तो जदों भी कोई बैंक नवा बंदा है या बैंक चलता है वह किते पैसे तो चलता है, पहले इन्हां कोलों पैसे लैंदे ने व्याज दे उत्ते, फिर बाकी सारा अपना पैसा होंदा है। आपां नूं बुला बुला के कहिंदे अकाउंट खोलो, आपां अकाउंट खोलने आ, अकाउंट खोल के जिहड़ा आपां पैसा पाने आ बैंक विच भावें आपां $50, $100 पाइए, जे 10,000 बंदे होन बैंक दे अकाउंट होल्डर ते बैंक नूं किन्ना पैसा आ गया जी। फिर इस तों इलावा उहनां दे जिहड़े मंथली चार्जेस होंदे ने, फिर इह कंट्री च मैं देखिया इक तां NSF चार्ज बड़ा मारदे ने भई $45 तुहाडे लै लैंदे ने। मैं कई वार देखना विचारे मेरे जिहड़े क्लाइंट्स हैगे ने उहनां दी पासबुक देखना, वह विचारे $15, $16 घंटे ते काम करदे ने, और जे किसे वजह नाल उहनां दा कोई पेमेंट NSF हो जाए तो उन्हें $45 की बड़ी वड्डी पेनल्टी पैंदी है। हालांकि यह पेनल्टी तुहाडे मेरे वर्गे बंदे नूं कुछ फर्क नहीं पेगा, पर यह उन्होंने बहुत फर्क पैंदा है। तो यह तरीके नाल बैंक पैसे बनाते हैं, तो कोई भी नॉलेज तुहानूं ज़्यादा नहीं देंदे, वह कहिंदे आ जाओ तुहानूं RESP चाहिए, कम ऑन असीं तुहानूं दसदे हां भाई तुहानूं ग्रांट मिलती है गोरमेंट चो भाई यू विल मल्टीप्लाई योर मनी, पर वो यह नहीं समझाते ये प्लस पॉइंट की ने, ये माइनस पॉइंट की ने, किनियां इहो जिहियां प्लैन्स भी हैगियां ने जिहड़ियां इस तो उत्ते हैगियां ने जी। हुण फॉर एग्जाम्पल एक नटशल विच मैं कहना भी जिवें RESP हैगी, यह हैगी भी बच्चा जदों यूनिवर्सिटी जाण दे लैवल ते आ जाए 18 साल 20 साल विच वो पे कर देंदे तुहानूं इक्को वारी भाई यह लो पैसा तुहाडे यूनिवर्सिटी च काम आएगा जी। किसी का 20,000 बनता है, किसी का 25,000 बनता है, साढ़े कोल इहो जिहियां प्लैन्स ने जिहड़ा बच्चे नूं थ्रू आउट दी लाइफ हैल्प कर दियां ने। वाओ भाई वो RESP होंदियां ने पर वो खत्म नहीं हो जांदियां,
जदों एजुकेशन यूनिवर्सिटी बच्चा जाता है उसका पूरा खर्चा चुकदी है हर साल जी। उदे बाद जदों बच्चा पास आउट होके निकलता है उन्नू मान लो अपनी कार चाहिए ते कार लिए उदे कोल कैश डाउन पैसा अवेलेबल होंदा है जी। फिर मान लो अगे होर चार पांच साल बाद जदों उहदा कैरियर बन जांदा है ते उह डिसाइड करदा है भई हुण मैनू घर लैना चाहिए है ते उहदी 20% जिहड़ी डाउन पेमेंट है उह जुड़ी पई होंदी है। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੰਟਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਡਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ RRSP ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 51% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 51% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ A to Z ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, RESP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ RESP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ RESP ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਢਾਉਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿ 91% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਕਿ RRSP ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, TFSA ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, RESP ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਗੇਜਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,
लाइन ऑफ क्रैडिट किमें काम करते हैं, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रैडिट किमें काम करते हैं, ऑटो इंश्योरेंस थोड़ी होम इंश्योरेंस, लाइफ क्रिटिकल डिसबिलिटी, विस्टर वीजा, सुपर वीजा इंश्योरेंस, थोड़े ग्रुप बेनीफिट प्लैन जो थोड़ा कंपनी के द्वारा मिलते हैं वो किमें काम करते हैं, फिर थोड़े जो लोंग टर्म केयर प्लैन ने वो किमें काम करते हैं, एस्टेट प्लैनिंग, विल प्लैनिंग, फ्यूनरल सर्विस ये किमें काम करती है, आर ई एस पी थोड़े जो बच्चों वास्ते इनवैसमेंट्स ने, आर आर एस पी थोड़े खुद के वास्ते, टी एफ एस ए, जी आई सी किन्ने प्रकार की होंगी है, जी आई ए की होंगे, तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सैग फंड, इन सारिया चीज़ों बारे जिन्ह बारे बाकी लोगों नू आम पब्लिक नू जाणू ही नहीं कराया जाता कदे, वो इस शो के आप आने वाले प्रोग्राम के सारी गलों बातें डिटेल दसांगे, पर अज जी मेन गल तो असी एम्फोसाइज जो थोनू करना चाहते हैं कि क्यों एक फाइनैंशियल डॉक्टर का होना जरूरी है, फाइनैंशियल प्लैनर का होना जरूरी है, कि ना ही सिर्फ आपां नूं अपनी सेहत वास्ते एक जिहड़ा डॉक्टर चाहिए, क्योंकि जे रवि भाजी तुसीं इस गल ते फोकस करो कि अपनी जिंदगी दे विच चार एफ जरूरी ने, पहला हैगा फेथ, दूजा फिटनेस, तीजा फैमिली, चौथा फाइनेंस, आपां अपनी फिटनेस वास्ते तां एक डॉक्टर रख लैंदे आ, फेथ वास्ते भी आपां किसे किसे गुरु दे जां किसे बाबा जी दे उहनां दे लड़ लग जांदे आ, पर जिहड़ा आपणा फाइनेंस है उहदे वास्ते कितना जरूरी है भी एक फाइनैंशियल प्लैनर का होना, फाइनैंशियल डॉक्टर का होना, यह समझना अपने सारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप इस मुल्क के आने भाई जी, जो तुम आए थे इस मुल्क के जिमें जे आप पूछिए कि थोनू चीज़ा पहले ही पता सगिया कि आर आर एस पी, टी एफ एस ए, आर ई एस पी, मॉर्गेज इंश्योरेंसिज किमें काम कर दिया ने। एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन है भाई, यह कंट्री जो बंदा आता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकतर लोगों उन्होंने फील्ड में कभी भी जॉब नहीं मिलता। हुण मेरा जिहड़ा बैकग्राउंड हैगा, मैं सिविल इंजीनियर हैगा, मैनू फाइनेंस की ए बी सी भी नहीं आती सी इन इंडिया, इत्थे आके जदों मैं स्टोर्स चलाए मनी मार्ट दे ते सारा मैं सिस्टम अंडरसटैंड किया, बैंकिंग अंडरसटैंड की, फिर सारिया बुक्स पढ़िया, लाइसेंस ले, फिर मैनू सारा ज्ञान होया, दैन आई गैदर ऑल द नॉलेज भाई फाइनेंस प्लैनिंग कितनी जरूरी चीज़ हैगी है। तो जिमें रॉकी जी ने कहा है वाकई फाइनेंस एक बहुत ही वड्डा आस्पैक्ट है, यदा ज्ञान हर किसी बंदे नूं होना चाहिए ताकि कोई बंदा गलती ना कर सके। हुण मेरे को कई मेरे फ्रेंड्स हैगे ने सारे मल्टी मिलियनर हैगे ने, तो मैं उन्होंने कहना यार तुहाडे बैंकां च इन्ना बैलेंस पिया रहिंदा है तो तुसीं कोई चंगी प्लैन विच क्यों नहीं इनवैसट कर देंदे। कई तो कहिंदे यार टाइम नहीं है, कित्थे जाइए, की प्लैनिंग करिए, बैंक विच पिया ना पिया रहन दो। तो मैं कहना भाई जे बैंक विच पिया होने तो कोई ग्रो नहीं होना, खास तौर पर जे तुहाडे चैकिंग अकाउंट विच है फिर तो जीरो वे। जे तुसी थोड़े समझदार हो, तुसी जी आई सी विच इनवैसट कर दिता है भाई तुहाडी पीस ऑफ माइंड है, पर तुसी देखो भाई ग्रोथ किन्नी हैगी, ग्रोथ हुई तुहानू बैंक वाले अजकल दे रहे ने 5%, 5.5%, बहुत पहले तो जो मैं नवा आया सी उदों तां 2% होंदी सी, 5% भी हो लेकिन ए नहीं समझते भाई जिहड़ा इनफ्लेशन हैगा जिहड़ियां कीमतां वध रहीआं कई गुणा ज्यादा वध रहीआं 5% दे हिसाब नाल। तुसीं देखो पिछले साल कोई भी तुसीं आइटम लै लो भाई, तुसीं जिहड़ी खरीदे सीगे और ए साल वो कीमत किन्नी, तुसीं गैस प्राइस ही लै लो सारयां नूं जिहड़े ईजी अंडरसटैंड होए, हुण गैस प्राइस अज दे टाइम विच 130, 140, 150 चलती है। हुण तुसीं अपने आप नूं क्वेश्चन पुछो भी यह गैस प्राइस पिछले साल या 2-3 साल पहले या मैं जदों आया सीगा अज तो 20 साल पहले उदों मैं 58 सेंट्स विच पराई हुई, ते मीन्स किन्नी महंगाई वध रही है, ते इहनूं कहिंदे इनफ्लेशन। तो भई यह महंगाई जी हैगी, इनफ्लेशन हैगी इन्नी वध रही है, उहदे च अपनी जी कंट्री की मैनेजमेंट है बहुत वधिया है, वह बड़ा कोशिश करते हैं भई इहनूं दबाया जाए, कट किया जाए, पर उहनूं दबाउण लई उह की करते हैं घर के इंट्रस्ट रेट वधा देंदे ने भई घट घट इंट्रस्ट रेट वधणगे इनफ्लेशन थोड़ी दब जाएगी, अच्छा थोड़ी बहुत दबदी है इनफ्लेशन और फिर उत्ते आ जाती है, अच्छा हम घर के प्राइस पहले ही इन्ने ज्यादा होए ने। अज मैं तुहाडे सारयां नूं एक क्वेश्चन पूछना भी जिहड़ी तुसी मॉर्गेज अज पढ़ रहे हो कि तुसी अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, जब मेरे वर्गा बंदा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भी, पहले मैं जिते 2-2.5 हज़ार महीना ब्याज विच जांदा सी, बाकी दा मेरा प्रिंसीपल विच जांदा सी, अज दे टाइम विच मेरा 6-7 हज़ार दा इंटरेस्ट विच जांदा है और 2-3 हज़ार हैगा वो प्रिंसिपल विच जांदा है। वाओ, ते मीन्स कित्थे हैगा यार, किन्ना पैसा आप
पढ़ रहे हैं बस लाइफ विच कोई एक ही लक्ष्य है गया भाई यार पैसे भरने बिल्स भरने पर एक लक्ष्य नहीं है गया भी पहले पैसे बचाने किवें ने ते फाइनेंस दा प्ले की है गया किवें है फाइनेंस नु आपा मैनेज कर सकने हैं तुसी कोई भी गुड फाइनेंस प्लानर नु अप्रोच करो जेड़ा भी तुहाडा कोई फ्रेंड है पर जेड़ा प्रोफेशनल है नहीं तो कई फ्रेंड्स कहंदे भाई आओ जी आओ असि तुहानू ए दिंदे आ स्टॉक्स स्टॉक्स देने हैं या कोई पॉलिसी देने हैं मैंने पता है भाई मैं जो नवा आया सीगा तो 2-3 साल में ही काफ़ी जान पहचान हो गई शहर के काफ़ी बंदे नाल तो मेरे ऑफिस में आते सी कहते खुराना साहब आप बहुत अच्छी बातें करते हो अपना ये पॉलिसी हमारे से ले लो हमारा थोड़ा फायदा हो जाएगा भाई हमारी रोजी रोटी इस पर ही चलती है जी तो मैं क्या भाई दसो मैनू की प्लान है कहते कुछ नहीं टर्म पॉलिसी हैगी है तुम टर्म पॉलिसी बाय कर लो तुहानू खाली महीने का $50 या $100 लगेगा तुहानू 1 million की कवरेज मिल जाएगी जी मैं क्या अच्छा है केड़ी कंट्री हैगी यार इंडिया विच तां मैं इन्नी इंश्योरेंस भरदा सी पर मेरी जिहड़ी प्रिंसिपल अमाउंट जिहड़ा हुंदा सी सम इंश्योर्ड जिहनू कहिंदे आ वी जिहड़ी इंश्योरेंस आपां लैंदे सी ते उहदे वास्ते तां मैनूं इन्ना पैसा भरना पैंदा सी और बड़ी थोड़ी इंश्योरेंस मिलदी सी बिल्कुल जे मैं इंडिया दे हिसाब नाल गिना ते मैं क्या तां 3-4 1 million यानी ऑलमोस्ट 3-4 lakh रुपया इंडिया का हो जाता है बिल्कुल तो मैं क्या भाई वो मैं इतने बैठे बिठाए जे मिलती इन्ने छोटे अमाउंट च तो क्यों ना लिती जाए बिल्कुल करते 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 मैं इनिया ले लिया पॉलिसीज पर वो सब टर्म पॉलिसीज सी 20 साल बाद वो सारी टर्म पॉलिसी खत्म हो गया तो मैं जेड़ा $7-8 lakh पाया होया सी उन्हां विच वो जीरो हो गया तो वो जीरो हो गया तो नाल ही मेरी उन हेल्थ भी उन्नी एफिशिएंट नहीं जड़ी 20 साल पहले सी तो उन एथे मैनु इंश्योरेंस पॉलिसी मिलदी रेटिंग दे उते जी और वो रेटिंग एनी होंदी कि ओही पॉलिसी जड़ी $100 विच मिलदी सी हुन 1,000, 2,000, 3,000 विच मिलदी है जी तो मींस नॉलेज नहीं सी ते मैं किन्ना लॉस खादा जी ते हुन आफ्टर ए नॉलेज जड़ी मैनु आई है सब फाइनेंस फील्ड दे मैं सारे नाल शेयर करना चाहना जी ते तुसी ऑल आर वेलकम साडी इंस्टीट्यूट भी हैगी है मेरा ग्लोबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दे नाते हैगा ऑफिस ते मैं उत्थे अवेलेबल होना मेरे को अपॉइंटमेंट बना के कभी भी आना फ्री ऑफ कॉस्ट है तुहानू कोई चीज विच मैं हेल्प कर सकना मैनु बड़ी खुशी होएगी जी हेठ इन्हां दे नंबर भी लिखे हुए है जी सो दिल तो होर करदा जी थोड़े नाल गल्लां करन नूं पर समां इजाजत नहीं दिंदा अज दे टाइम च अपने कोल इन्ना ही समां ते इस करके मैं जिहड़ा मैंशन कीता कि बाई जी हुणां दे नाल आपां होर भी प्रोग्राम इन्हां दा कीमती समां लैण दी कोशिश करांगे तां कि होर भी प्रोग्राम थोड़े लई वध तों वध नॉलेज वाले इन्हां दे परसनल एक्सपीरियंस इन्हां दे जिहड़े आप बीती ते जग बीती जो इन्हां ने देखी है दुनिया दे विच कैनेडा दे विच अमेरिका दे विच उह की हैगी है किवें कम करदा है पैसा डिफरेंट फील्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 365-292-365-292-0091 माई नेम इज़ रॉकी मल्होत्रा आने वाले समय के असी थोड़े वास्ते होर नॉलेजेबल प्रोग्राम्स कल कल प्रोडक्ट जोड़ा वो डिटेल थोड़े वास्ते प्रोग्राम लैके आवेंगे अगले 52 वीकों वास्ते थोड़े लिए हर वीक एक नव आप एक प्रोडक्ट बारे गलबात करा ता कि थोनों घर बैठिया ही वधिया फाइनैशियल नॉलेज मिल सके वधेरी जानकारी वास्ते गैट योर ओन फाइनैशियल प्लैनर टुडे एंड डू कॉन्टैक्ट your financial doctor. Thank you.